तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कोई भी रेलवे का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो आप LP टेक्नीशियन का हो, चाहे आप LP का हो, जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी जैसा कि अभी देख रहे हो आप लोग, यूट्यूब में पूरी तरह से चल रहा आधार वेरिफिकेशन क्या है ये आधार वेरिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इसको हवा बना दिया गया, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ आज के लिए, आज के बाद आपको इसके बाद कोई वीडियो कहीं भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। क्या है पूरा मामला, क्या अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करते तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या एग्ज़ाम के समय आपको दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा होगा, या एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, सारी चीज़ों पे मैं पूरी तरह से बात करूँगा और इसका क्या सॉल्यूशन है उस पर बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप आप लोग मत करना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, जो कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखें, ताकि आपका एक छोटी सी गलती से या एक इग्नोर करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया कि जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है फॉर्म भरते समय, वो आधार को वेरीफाई कर लें, ठीक है। क्योंकि जैसे भी आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन एक बार फिर से होगा, अगर वहाँ पे दिक्कत होगा एग्ज़ाम दे, देखो ऐसे तो एग्ज़ाम का वहाँ प्रेशर रहेगा, फिर वहाँ पे वेरीफाई करेगा, समय लगेगा। बाकी सब नॉर्मल जिनका आधार वेरीफाई है उनको स्मूथली इंटरव्यू लेगा, लेकिन आपको वहाँ पे तो आपको एक और प्रेशर होगा मेंटली। तो इसलिए रेलवे सबसे बचने के लिए, और बाद में बहुत सारे लोग गलत तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर भी होते हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप आधार को वेरीफाई कर लो, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर स्मूथली सब चीज़ें हों, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करना है, आपको कैसे प्रोसेस करना, क्या सभी लोग इसको ईजिली कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों कहना है कि जैसे कि नहीं आ रहा, क्या मोबाइल से कर सकते हैं, या जिनके पास कंप्यूटर है मोबाइल से कर सकते हैं खुद से, या कैफे जाने की जरूरत है? तो मैं सब बता रहा हूं आपको, कहीं कैफे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो बताने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं, जो कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं डिटेल में मैथ को पढ़ना चाहते हैं, तो देखो ये किरण प्रकाशन की मैथ है, पूरे चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से, जो चैप्टर आपको कमजोर हुई मैथ की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज दिया हुआ है। फिर इसी तरह रीजनिंग की भी इनकी बुक है, बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज इनमें दिया हुआ, पूरे अच्छे तरीके से दिया हुआ, जो चैप्टर आपका कमजोर उसी चैप्टर को आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग रीजनिंग की पढ़ सकते हैं, और जितने भी रेलवे में अभी GK GS पूछे गए हैं सारे लेटेस्ट, वो इसमें 27,000 खान सर वाली संग्रह में दिया हुआ, उसको भी आप लोग डिटेल ढंग में पढ़ सकते हो, आपको पैटर्न पता चलेगा कैसे कैसा है, ठीक है। तो ये रहा, तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है जिनका आधार वेरीफाई नहीं है, तो देखो एक चीज़ है, आप मोबाइल में भी खोल सकते हो, तो मोबाइल में आपको कुछ नहीं करना है, रेलवे का साइट को खोलना है। रेलवे को साइट को जैसे खोलोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का कुछ अपीयरेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे, और देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा, जैसे ही लॉगिन करोगे उनको पासवर्ड नहीं आता, फॉरगेट पासवर्ड करना, आपका ईमेल आईडी में एक पासवर्ड जाएगा, वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, देखो ये इंटरफेस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ ऊपर में, आधार योर वेरीफाई योर आधार, रेड कलर से मैंने कर रखा है, वेरीफाई योर आधार, वहाँ पे आपको सीधा दिखते रहेगा, ठीक है। तो उस पर ही जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पे अब आपका कुछ डिटेल्स खुल जाएगा, वहाँ पे देखो लिखा इंटर योर आधार है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालना, फिर उसके बगल में कॉलम दिया क्या आपका आधार कार्ड नाम उम सब सेम है, तो उसको टिक कर देना है। फिर जैसे ही आप आधार डालोगे, आपका पहले से जो फॉर्म भरे डिटेल वो आ जाएगा, तो आधार कार्ड का सिर्फ नंबर डालना है 12 डिजिट का, उसको आप डालना, फिर उसके बाद चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना, फिर वहाँ पर आप लोग क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तो जैसे ही आप करोगे क्लिक, वहाँ पर आपका चेकबॉक्स पर करने के बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म में देखो ऐसा लिखा जाएगा, वेरीफाई योर आधार, आधार वेरीफाई योर सक्सेसफुल, इस तरह देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस तरह पूरा आपको दिख जाएगा, इसका मतलब आपका आधार वेरीफाई हो गया, टेंशन खत्म। तो इतनी छोटी सी बात थी, यूट्यूब पर मुद्दा बना दिया गया वेरीफाई, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, आपका हो गया। आपको एक पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली घर में ही आप कर सकते हो, अपने मोबाइल से ही कर सकते हो, बस टेंशन खत्म, आराम से पढ़ो। इसके चलते यार लोग पढ़ भी नहीं रहे थे, डिस्टर्बेंस तो क्या है क्या है, पूरे टीचर लोग सब बनाए जा रहे हैं बनाए जाते, मैं भी सोचा चलो एक छोटा सा सिंपली प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हो, घर में बैठे भी कर सकते हो, किसी को पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही था आधार वेरीफाई का मामला, जो कि कुछ नहीं था, बस एक हवा बना दिया गया था, तो जेन्युइन था। आप लोग तैयारी अब करें, आधार वेरीफाई कर ले आराम से, 2 सेकंड का काम है, कभी भी मौका मिले कर लो, ठीक है। और ये लिंक कोई भी कर सकता हो। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।